Hello students हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स आज अपने वही अपने सीरीज चल रही है प्री पीजी की उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जा रहा है आपके साथ तो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना द डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन एट विच प्रोटेक्शन मेजर्स आर टू बी अप्लाइड यानी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इंसेक्ट पेस्ट की कौन सी पॉपुलेशन जहां पर उसके प्रबंधन के या मैनेजमेंट के उपाय अपनाए जाते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग तो यहाँ पर आपको जनरल इक्विलिब्रियम लेवल ई यानी अपने इकोनॉमिकल इंजरी लेवल ई यानी इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल और पी बी यानी ये अपने पी है ये इससे रिलेटेड ही नहीं है चलो एक ऑप्शन आपके लिए कट कर देता हूँ ना पी इससे रिलेटेड नहीं है पी का मतलब होता है पिंक बॉलब्रम चलो ये तो आपसे इससे रिलेटेड ही नहीं है आपको तो सिंपल आंसर देना है तीन ही ऑप्शन है आपके पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जम के ना एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिए ताकि बच्चे आपके जो भी फ्रेंड है साथ में वो जुड़ सके सब लोग तो फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा इसमें है ना चलो वेरी गुड चलो फर्स्ट क्वेश्चन सभी का सही है वेरी गुड अच्छी शुरुआत हुई है टी एल यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यानी ये वो लेवल होता है जहाँ पर अपने क्या करते हैं इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं ना इंसेक्ट पेस्ट को अपने मैनेज करने का काम करते हैं क्यों क्योंकि अगर ई टी एल पर अपने इसको मैनेज नहीं करते हैं तो पॉपुलेशन बढ़कर कहाँ पहुँच जाती है ई आई एल पर पहुँच जाती है और ई आई एल क्या होता है इकोनॉमिकल इंजरी लेवल होता है और ये अपने क्या होता है ये अपने वो लेवल होता है या ये मिनिमम पॉपुलेशन होती है जो क्या कर सकती है अपने इकोनॉमिकली लॉस कर सकती है इकोनॉमिकली अपने लॉस कर सकती है तो इकोनॉमिकली तो लॉस से बचने के लिए ही अपने क्या करते हैं इंसेक्ट पेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो इकोनॉमिक थ्रेसहोल्ड लेवल पे करते हैं ना तो इनकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है इसका मतलब होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल इकोनॉमिक इंजरी लेवल इकोनॉमिक इंजरी लेवल और इसका मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेसहोल्ड लेवल इकोनॉमिक थ्रेसहोल्ड लेवल थ्रेसहोल्ड लेवल होता है ठीक है और इसका मतलब होता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है तो इसकी अगर बात करें एक इसमें और एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है एक और फैक्ट ध्यान में रखना है आपको फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि जो ई आई एल होता है ई आई एल ऑलवेज अबाउ दी एल ये चीज फैक्ट आपको ध्यान में रखना है ई आई एल होता है वो हमेशा ही ऊपर होता है किससे ईटीएल से, ETL से. है ना तो इसीलिए तो अपने बोल रहे हैं कि इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन को ई तक पहुंचने से रोकने के लिए ही इसके मैनेजमेंट के जो जितने भी टेक्निक्स होते हैं वहां अप्लाई करते हैं अपने ईटीएल के ऊपर अप्लाई करते हैं इसलिए आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है क्या फैक्ट ध्यान में रखना है कि ई आई एल इज ऑलवेज अबोव द एल यानी ई में जो पॉपुलेशन होती, हो, होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे ईटीएल लेवल से ठीक है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ई हमेशा क्या होगा ई से अब होगा

चलो जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए वेरी गुड वेरी गुड बच्चों सभी के सही आंसर आ रहा है थाइसन ऑप्टेरा होता है ना थाइसन ऑप्टेरा क्या क्या अंदर आती है थ्रिप्स आती है और थ्रिप्स की अगर बात करें इंपॉर्टेंट पेस्ट पेस्ट किसका होता है अगर आपसे पूछ ले थ्रिप कौन सी क्रॉप का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है तो थ्रिप्स एक प्रकार से चिल्ली का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है किसका चिल्ली का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है ये आपको ध्यान में रखना है चिल्ली का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है थ्रिप्स चिल्ली के अलावा ये ऑनियन और अपने गार्लिक के अंदर भी डैमेज करता है हाँ हिंदी की क्लास आएगी है ना बच्चों हिंदी की क्लास आएगी हिंदी की क्लास अभी आपके मंडे या ट्यूसडे से आ, जो अपने जेट का एग्जाम या प्रीपी का एग्जाम आगे होने वाला है उसके लिए अपने मैराथन क्लास लेके आएंगे ना तो वो आपकी अपने आ, हर सब्जेक्ट की होगी केमिस्ट्री की बायोलॉजी की और एग्रीकल्चर की सबकी मैराथन क्लास चलेगी तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होगी बच्चों ना सो डोंट वरी हाँ ठीक है वेरी गुड चलो अब बात बात करते हैं नेक्स्ट और ऑर्डर की बात कर लेते हैं यहाँ पर हमिपटेरा हेमिप्टेरा ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर कौन से आते हैं किंग पेस्ट आते हैं कौन से आते हैं किंग पेस्ट आते हैं किंग पेस्ट किंग पेस्ट आते हैं वेरी गुड किंग पेस्ट आते हैं उसके बाद में होमोपटेरा आता है होमोपटेरा एक प्रकार से सब ऑर्डर होता है किसका ये क्या है सब बोर्डर है किसका हेमिप्टेरा का हेमिप्टेरा के दो सब बोर्डर होते हैं इटेरोप्टेरा और होमोप्टेरा इटेरोप्टेरा के अंदर क्या आते हैं प्लांट बग्स आती है ठीक है और अब होमोप्टेरा के अंदर मोस्टली जैसे एफिड जैसे ये वाइट फ्लाई वगैरह ये सभी इंसेक्ट आते हैं ना तो ये एक प्रकार से होमोप्टेरा होमोपटेरा इसके बाद में आता है डिप्टेरा डिप्टेरा के अंदर क्या आते हैं डिप्टेरा के अंदर हाउस फ्लाई आती है हाउस फ्लाई आती है हाउस फ्लाई के अलावा मॉस्किटोज आते हैं मॉस्किटोज इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर फ्रूट फ्लाई आती है फ्रूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई ठीक है जो ट्रू फ्लाइज होती है वो डिप्टेरा ऑर्डर में आती है और ट्रू फ्लाइज के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इसमें हेल्टर टाइप के विंग्स होते हैं क्या होता है हेल्टर टाइप्स के विंग प्रेजेंट होते हैं हेल्ट्रस टाइप के विंग प्रेजेंट होते हैं हेल्टर टाइप्स विंग प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर डिप्टेरा ऑर्डर की जो ट्रू फ्लाइज होती है उनके अंदर ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम यानी जो इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक प्रकार से कहाँ से उत्पन्न होती है ना एलिमेंट्री कैनाल होती है कहाँ से आ, अपने ओरिजिन कौन सा उसका एक्टोड्रम है मिजोड्रम है या एक प्रकार से आ, अपने एक्टोड्रम मिजोड्रम या एंडोड्रम किससे जो अपने वैसे अपने बात करते हैं ये कैसे होते हैं ट्रिप्लो होते हैं ना इंसेक्ट्स होते हैं वो ठीक है तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अपने जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है सिंपल सा क्वेश्चन है चलो आंसर दीजिए जल्दी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और आपके प्री जी में पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन आपके प्री जी के अंदर जल्दी से आंसर दीजिए वेरी गुड गुड मॉर्निंग जी सभी को गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड बच्चों बहुत अच्छी तैयारी सिमरन ठाकुर वेरी गुड प्रशांत मौर्य चल चलो देखते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट इज डिराइव या एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन पूछा है कहां से ओरिजिनेटेड है तो ये एक्टोड्रम मिजोड्रम याड्रम या एक्टोड्रम एंड एंड्रोड्रम तो यहां पर अगर बात करें ये अपने डी ऑप्शन है ये सही जाएगा इसका ना एक्ट्रोड्रम एंड एंड्रोड्रम क्यों क्योंकि एक्टोड्रम से क्या अपने एलिमेंट्री e कैनाल के कितने पार्ट होते हैं तीन पार्ट होते हैं कौन कौन सी फोरगट होता है मिडगट होता है एंड गट होता है तो जो फोरगट होता है फोरगट फोरगट और हाइंडगट याद रखना इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना इसके क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जा सकते हैं ये प्री प्रीपीजी में आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी लेकिन इसके और भी क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं तो जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम क्यों बोल रहे हैं दोनों क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो फोरगट और इंडगट होता है वो तो एक्टोड्रमल होता है ठीक है वो एक्टोड्रमल ओरिजिनेटेड होता है और अगर बात करें अपने मिडगट की तो मिडगट कैसा होता है एंडोड्रम होता है और इंसेक्ट के अंदर जो अपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा मिडगट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी में पूरा ये एक ही पार्ट ऐसा होता है जो कैसा होता है एंडोड्रम ओरिजिनेटेड होता है बाकी सभी कैसे होते हैं एक्टो या मिजोड्रमल होते हैं ठीक है तो ये आपको इंपॉर्टेंट है मिडगट इसका आपको ध्यान में रखना है कि जो मिडगट पार्ट होता है वो तो एंडोड्रम होता है और जो फोरगट और एंडगट होता है वो कैसा होता है एक्टोड्रम होता है ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रहता है बायनोमियल नोमिनकलर बाई लीनियस से टू पार्ट यानी जो लीनियस ने बायनोमियल नोमिनकल्चर दिया था उसमें आ, कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट वर्ड किसका होता है सेकंड वर्ड किसका होता है सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल है ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है चलो जल्दी से आंसर दे दो इसका है ना ये आपके प्री पी में पूछा गया क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि प्री पी के अंदर पूछे गए हैं और प्री पी में आपके ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि रिपीट होते हैं इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देख के जाने हैं ना इस क्वेश्चन जो भी कुछ नया मिलता है आपको तो उसको कॉपी में नोट कर लेना है ठीक है क्योंकि प्री पी के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने ईयर बाय ईयर रिपीट भी होते हैं चलो जल्दी से आंसर दे दो वेरी गुड बच्चों वेरी गुड सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ना क्वेश्चन क्या होता है क्वेश्चन कई बार अपना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं पहले ही माइंड में ऐसे अपने डर बना लेते हैं तो आप पहले अपने क्या करना है क्वेश्चन पढ़ना यह बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसको अपने लैंग्वेज से थोड़ा टफ बना दिया ना टफ बना नहीं दिया मतलब दिखने में टफ लग रहा है अगर इसको पढ़ के देखते हैं तो फिर आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं इसलिए कोई भी क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका आसानी से आंसर दे देना तो इसका बी ऑप्शन सही है बिल्कुल सही है ठीक है फर्स्ट वर्ड होता है वो किसका होता है जीनस का होता है और सेकंड वर्ड क्या किसका होता है स्पीशीज का होता है लेकिन एक आता है

अपने कमेंट बॉक्स के अंदर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निपलिंग एज कंट्रोल स्क्रू फ्रॉम फ्लाई बाई यानी नि, अपने निपलिंग ने क्या किया था निपलिंग ने एक प्रकार से स्क्रू वर्म फ्लाई एक इंसेक्ट था जिसको कंट्रोल करने का काम किया था तो उन्होंने किस टेक्निक का यूज किया था केमोस्टेरिलेंट का यूज किया था मेल स्टेरिलिटी का यूज किया था एंटीफिडेंट या अनडेवलपमेंट किसका अपने कौन सी टेक्निक से इन्होंने अपने स्क्रू वर्म फ्लाई का कंट्रोल किया था यह आपको आंसर देना है वेरी गुड बच्चों सुप्रिया चौधरी वेरी गुड सिमरन ठाकुर वेरी गुड बंटी मीना सभी का सही आंसर हो बिल्कुल सब स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं वेरी गुड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन है ना तो इसको आपको आ, अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो थर्ड वर्ड होता है या ट्राइनोमिल नोमिन कल्चर में वो किसका होता है सब स्पीसीज का होता है वेरी गुड वेरी गुड बच्चों बी आंसर आ रहा है सभी का बी आंसर आ रहा है चलो देखते हैं बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है मेल स्टेरिलिटी है ना मेल स्टेरिलिटी एक प्रकार से मेल स्टेरिलिटी टेक्निक का यूज किया था किसने निपलिंग ने किसको स्क्रू ब्रम फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए ना तो मेल स्टेरिलिटी टेक्निक का ये किसने दी थी तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निपलिंग ने दी थी किसने दी थी निपलिंग ने दी थी कब दी थी नाइनटीन के अंदर दी थी ठीक है वेरी गुड चलो हाँ हिंदी में क्वेश्चन आएगा रेखा कुमार जी हिंदी में क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आएंगे है ना हिंदी में क्वेश्चन आएंगे हिंदी में क्वेश्चन आपके मैराथन क्लास चलेगी नेक्स्ट इसी वीक से मतलब मंडे से तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए उसमें आपके आ, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे है ना वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेनवाल 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 रेट 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 इज क्या है पहले तो मैं बता देता हूं आपको कई बार क्वेश्चन अब इसमें क्वेश्चन uh, दो तरीके से इसमें ऑप्शन एक और बना देता हूं हूँ ना फेनवाल रेट का एक ऑप्शन इधर और बना देता हूं मैं दोनों ऑप्शन का आंसर दे देना आप तो ठीक है फेनवाल रेट इज है ना क्वेश्चन के हिसाब से एक एक अपने मैं ऑप्शन आपको और दे देता हूँ फेनवाल रेट क्या है तो फेनवाल रेट फंजी साइड है वीडी साइड है इंसेक्टी साइड है या रोडेंटी साइड है चलो और दूसरा क्वेश्चन है कि फेनवाल रेट इनमें से किस ग्रुप के अंदर आएगा चलो दोनों के आंसर दे दो वेरी गुड यानी इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुप्रिया चौधरी वेरी गुड सिंथेटिक पायरेथ्रोइ्स बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सिंथेटिक पायरेथ्रोड्स होता है फेमबाल बिल्कुल सही आंसर है सिंथेटिक पायरेथ्रोइ वेरी गुड लेकिन सेकंड का भी आपको आंसर देना है ना सेकंड ऑप्शन का भी आंसर देना है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड इंसेक्टिसाइड वेरी गुड देखो वो सभी अपने जितने भी लोग जुड़े हैं सभी आंसर देने की कोशिश करें है ना कमेंट के अंदर आंसर देने की कोशिश करें ऐसे सीधा अपने क्वेश्चन को देखने पे नहीं रहे हैं ना आंसर देके देखें कि आपको वास्तव में कितना आता है ना तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें क्वेश्चन सभी का आंसर आना चाहिए वेरी गुड चलो वेरी गुड सभी का सही आंसर आ रहा है ना फेनवाल रेट की अगर बात करें फेनवाल रेट एक प्रकार से सिंथेटिक पायरेथ्रोइ होते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रोइ होता है और किस फॉर्म में काम आता है इंसेक्टिसाइड फॉर्म में काम आता है ना सिंथेटिक फायरेथ्रोइ होता है सिंथेटिक पायरेथ्रोड का कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि बिच वन इज द सिंथेटिक कंपाउंड तो वहां पर पायरेथरम पायरेथरम और पायरेथ्रोइ दोनों ही ऑप्शन में थे तो पायरेथ्रोइ होता है वो सिंथेटिक होता है और पायरेथरम होता है ये कैसा होता है नेचुरल होता है कैसा होता है नेचुरल होता है ये नेचुरल इंसेक्टिस है नेचुरल यानी बोट है एक जिसको क्राइसिंथेम के फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेकिन सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक आएगा वो पायरेथ्रोइ आएगा कौन सा आएगा पायरेथरोड आएगा जो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इसको तैयार किया गया होता है ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसके बारे में चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने बेसिलेस थीजिस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज लार्वी ऑफ एफिस्टिया क्वनीला e. किसने एक प्रकार से इसको आइसोलेट किया था यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेसिलस ट्यूरिजेंसिस यानी बी को फर्स्टली किसने आइसोलेट किया था किससे एफिस्टिया कोनेला e. ये एक प्रकार से फ्लोर मोत होती है इससे किसने एक्सट्रैक्ट किया था यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. किसने आइसोलेट किया था इसको ठीक है डी बेक ने किया था या अपने बर्लिनर ने किया था या फ्लेचर ने किया था या स्टेनोस्ट ने किया था चलो बिल्कुल सिंपल आंसर सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल वेरी गुड बच्चो वेरी गुड वेरी गुड एक इसमें अगर आपसे पूछ ले बीटी का कि बीटी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था बीटी को ये तो आइसोलेशन का हो गया कि सबसे पहले आइसोलेट किसने किया लेकिन अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले ले इसको अपने डिस्कवर किसने किया था बीटी को तो आप क्या आंसर देंगे इसका सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था इसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था ये तो आइसोलेट का हो गया कि सबसे पहले आइसोलेट किसने किया अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया तो क्या आंसर करेंगे चलो ईयर मैं बता देता हूँ नाइनटीन जीरो वन के अंदर सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था इसको आपको बताना है किसने रिपोर्ट किया था इसको चल चलो जल्दी से बताओ चलो तो इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा बर्लिनर नाइनटीन इलेवन के अंदर है ना आ, इसी वाटा ने किया था वेरी गुड वेरी गुड बच्चों बहुत अच्छी तैयारी इसी वाटा इसी वाटा ने कब किया था 1901 के अंदर किससे किया था सिल्क वम से किया था किससे किया था सिल्क वम के अंदर इसको रिपोर्ट किया था सबसे पहले है ना सिल्क वम के अंदर ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने एगमुस ग्रैंड मोथ एगमुस ग्रैन मोथ बिलोंग टू यानी एगमुस ग्रैंड मोथ होती है ये एक प्रकार से कौन से पहले तो ये बता देता हूँ मैं एगमिस ग्रैंड मोथ फॉर आपके इन्फॉर्मेशन की ये एक प्रकार से ऐसा इंसेक्ट है जो स्टोरेज के अंदर भी डैमेज करता है प्लस फील्ड के अंदर भी डैमेज करता है यानी दोनों जगह पर इसका डैमेज देखने को मिलता है अपने को एक मुझ के रेन माउथ जिसको बोलते हैं सीटोट्रो का सीरियल लेला ठीक है तो यहां आपसे पूछा गया इसकी फैमिली पूछी गई कि ये किस फैमिली का तो सबसे पहले तो ये बताओ ये इसका ऑर्डर कौन सा था और ऑर्डर के साथ में आप मेरे को फैमिली बता दो गैलीचिडी कुर्कुलडी ड्रमेस्टिडी या टेनिब्रोनिडी चलो जल्दी से आंसर दे दो चलो जल्दी से आंसर दे दो इसका ऑर्डर भी बता दीजिए और इसका फैमिली भी बता दीजिए जल्दी से बताइए हाँ स्टोरेज और फील्ड दोनों के अंदर डैमेज करता है ना चलो बच्चों आंसर दीजिए जल्दी एक मुश्क्रेन मोदी जिसको सीटोटर का सीरियल सीरियलला बोलते हैं ये आपसे पूछा गया है कि कौन सी फैमिली का और कौन से ऑर्डर का इंसेक्ट है ठीक है यहाँ फैमिली पूछी गई ऑर्डर मैं आपसे पूछ रहा हूँ चलो जल्दी से ऑर्डर भी बता दीजिए इसका साथ के साथ के। वेरी गुड बच्चों प्रियंका यादव सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सुप्रिया चौधरी निखिल मालव वेरी गुड वीरेंद्र भारती वेरी गुड दया का सही आंसर आ रहा है संध्या त्रिपाठी वेरी गुड बंटी मीणा वेरी गुड वेरी गुड बच्चों सभी का सही आंसर आ रहा है ना तो इसकी अगर बात करें मोथ वर्ड आ गया ना मैंने आपको बता रखा है कि मौत और बटरफ्लाई कहीं भी आया हो मौत और बटरफ्लाई कहीं भी लिखा हुआ है मतलब कौन से ऑर्डर के होंगे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के होंगे और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में फैमिली आती है इसकी गेलेचिडी फैमिली की होती है ना गेले फैमिली अगर अपने अदर फैमिलीज की यहाँ पर बात करें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो कर्कुलडी की बात करें ये लार्जेस्ट फैमिली होती है क्या होती है लार्जेस्ट फैमिली अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है इंसेक्ट की तो कौन सी होती है कुर्क्युलडी होती है और कुर्कुलडी के अंदर क्या आती है विविल आती है क्या आती है विविल्स आते हैं विविल्स जितनी भी होती है वो सभी किस में आएगी कुर्क्यूलिनिडी के अंदर आती है और लार्जेस्ट फैमिली होती है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर लार्जेस्ट फैमिली पूछे तो कुरक्यडी लार्जेस्ट ऑर्डर पूछे तो कोलियोप्टेरा और लार्जेस्ट अपने क्लास पूछे तो इंसेक्टा और लार्जेस्ट फाइलम पूछे तो आर्थोपोडा ठीक है चलो उसके बाद में आता है ड्रमेस्टिडी ड्रमेस्टिडी के अंदर क्या आता है ड्रमेस्टिडी के एक प्रकार से कपरा ब्रंग आता है क्या आता है कपरा बीटल कपरा बीटल इसके अंदर आएगा ये भी एक स्टोरेज में लगने वाला पेस्ट होता है ठीक है और उसके बाद में आता है टेनेब्रियोनिडी टेनेब्रियोनिडी के अंदर क्या आएगा रेड फ्लोर मोथ आती है ना रेड फ्लोर मोथ रेड फ्लोर मोथ रेड फ्लोर मोथ इसके अंदर आती है ठीक है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं चल जल्दी से आंसर दे दो इसका चलो बीच बीच में आपसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता रहूंगा उनके भी आप आंसर साथ के साथ देते चलिए क्वेश्चन ये आपके लिए कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसके अंदर या अपने मैगजिमम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं वो कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं मैग्जिम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट यानी स्टोरेज के अंदर जो डैमेज करने वाले होते हैं वो कौन से ऑर्डर में आते हैं ठीक है चलो जल्दी से आंसर दे दीजिए इतने में अपने ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ पेडी इज ट्रांसमिटेड बाई चलो जल्दी से आंसर दीजिए ग्रासी स्टंट डिजीज़ होती है जो किसकी पेडी यानी राइस की वो एक प्रकार से कौन ट्रांसमिट करता है जितनी भी वायरल डिजीज होती है उनको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है कोई भी अपने वेक्टर होता है वेक्टर इंसेक्ट हो सकता है वेक्टर कोई अपने अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें जनरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोस्ट ऑफ द प्लांट पैरासाइट अपने प्लांट वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय तो किससे होता है इंसेक्ट से ही होते हैं और पर्टिकुलरली कौन से इंसेक्ट से होते हैं ये एक प्रकार से सेप्सकिंग इंसेक्ट होते हैं उनसे होते हैं सेप्सकिंग इंसेक्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइट फ्लाई हो गया एफिड हो गया जेसिड हो गया थ्रिप्स हो गया इन सभी से ये अपने वायरल डिजीज होती है वो ट्रांसमिट होती है ठीक है वेरी गुड कोलियोप्टेरा जिसका भी आंसर और बिल्कुल सही आंसर है ना कोलियप्टेरा मतलब कि मैक्सिमम स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं मैक्सिमम है यानी सभी नहीं है मैक्सिमम कुछ एक ऐसे भी होते हैं लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से में भी आते हैं लेकिन मैक्सिमम uh, की अगर बात करें वो कैसे होते हैं मैक्सिमम वो एक प्रकार से कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं वेरी गुड चलो भैया

ठीक है उसके बाद में ये थ्रिप्स ये इम्पोर्टेंट पेस्ट है थ्रिप्स का मैंने आपको बता दिया ट्राइपोराइजा इंसर्ट्यूलस होता है ये इंपॉर्टेंट पेस्ट किसका है ये एक प्रकार से शुगर केन का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है और बेमेस ए यानी व्हाइट फ्लाई होती है ठीक है व्हाइट फ्लाई क्या काम करती है व्हाइट फ्लाई कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करने का, का काम करती है लीफ कर्ल डिजीज मैक्सिमम जिस भी अपने क्रॉप की लीफ कर्ल डिजीज होती है उसको अपने ट्रांसमिट करने का काम कौन करती है व्हाइट फ्लाई करती है कौन करती है लीफ कर्ल को ट्रांसमिट करने का काम व्हाइट फ्लाई करती है ध्यान में रखना लीफ कर्ल को ट्रांसमिट करने का काम व्हाइट फ्लाई करती है और कोई भी क्रोप की लीफ कर लो चाहिए सिर्फ एक को छोड़कर किसको चिल्ली का कर ट्रांसमिट करने का बाकी जितने भी अपने लिप फल डिजीज होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर करने का काम कौन करता है या ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है टेबेसाई करती है जिसको व्हाइट फ्लाई बोलते हैं अपने ठीक है वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेपिडोप्टेरस इज एज यानी लार्वीज के लार्वी को क्या बोलते हैं कितना है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम सिंपल चलो जल्दी से आंसर दे दो चलो जल्दी से आंसर दीजिए सिंपल क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन लेपिडोप्ट के लार्वा को क्या कहा जाता है है ना हिंदी में लेपिडोप्ट्रा के लार्वा को क्या कहा जाता है ठीक है निम्फ मैगट ग्रब या कैटरपिलर चलो जल्दी से आंसर दीजिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चंचल गुप्ता वेरी गुड संध्या त्रिपाठी कैटरपिलर वेरी गुड

कि जिसमें थ्री स्टेज होती है कितनी थ्री स्टेज होती है इन कंप्लीट मेटामोफोसिस जिसमें थ्री स्टेज होती है थ्री स्टेज कौन कौन सी एग निम्फ एंड एडल्ट होती है उन सभी की मेच्योर स्टेज होती है उसको अपने क्या बोलते हैं निम्फ बोलते हैं जैसे अपने इनकम्प्लीट मेटामोफोसिस किस किस में देखने को मिलता है औरथोपटेरा में देखने को मिलता है औरथोपटेरा के अंदर देखने को मिलता है औरथोपटेरा के जो इंसेक्ट होते हैं इसके अलावा आइसोपटेरा यानी ट्रमाइट के अंदर आइसोप्टेरा के अंदर डिक्टी के अंदर डिक्टी जिसमें कोकरोच आता है डिक्टी के अंदर इसके अलावा अगर बात करें अपने डिप्टिप्टेरा के अलावा हमिप्टेरा के अंदर यही चीज़ देखने को मिलती है हेमिप्टेरा हेमिप्टेरा का जो अपने इमेच्योर स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं नीफ बोलते हैं लेकिन आ, उसके बाद मेगट की बात करें मेगट किसको बोलते हैं अपने डिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट को बोलते हैं किसको बोलते हैं डिप्टेरा ऑर्डर या जो अपने ट्रू फ्लाइज होती है उनका जो अपने इमेच्योर स्टेज होती है उसको अपने क्या बोलते हैं या लार्वा को क्या बोलते हैं मेगट बोलते हैं ठीक है उसके बाद में आता है ग्रभ ग्रभ किसको बोलते हैं कोलियोप्टेरा के लार्वा को बोलते हैं कोलियोप्टेरा के लार्वा को ग्रभ के नाम से जानते हैं अपने कोलियोप्टेरा के लार्वा को ग्रब कहा जाता है इसके अलावा कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताई थी नेड्स के बारे में बताया था कि नेड्स क्या होते हैं तो नेड्स की अगर बात करें नेड्स किसको बोलेंगे नेड्स किसको बोलेंगे एन ए आई ए डी एस है ना एन ए आई ए डी एस नेड्स नेड्स किसको बोलेंगे एक्वेटिक इंसेक्ट्स के इमैच्योर स्टेज ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट इमैच्योर स्टेज ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट क्वेटिक इंसेक्ट इमेच्योर स्टेज ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट इज नॉन एज नेड्स इसको क्या नीफ नीम बोलते हैं क्या बोलते हैं नेड्स बोलते हैं ठीक है यहां तक क्लियर है सभी को वेरी गुड चलो नेक्स्ट बात करते हैं साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर प्रजेंट इन यानी साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स किसके अंदर प्रजेंट होते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया चलो जल्दी से आंसर दे दो जनरल एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है मोर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये साइफ़निंग टाइप माउथ पार्ट्स आर प्रजेंट इन साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स किस में होते हैं हाँ बंटी में ना एक्वेटिक इंसेक्ट कौन से होते हैं जो पानी में रहने वाले होते हैं ना और पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनकी नीम्फ होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं नेट्स बोलते हैं वेरी गुड बच्चों वेरी गुड वेरी गुड सभी का सही आंसर आ रहा है ना वेरी गुड संधे त्रिपाटी हनी भी हनी भी नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा बटरफ्लाई जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है ना बटरफ्लाई साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट किसके अंदर होते हैं बटरफ्लाई एंड मौत के अंदर होते हैं किसके अंदर होते हैं बटरफ्लाई और मौत दोनों के अंदर कैसे होते हैं साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं साइफनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं हाउस फ्लाई के अंदर कैसे होते हैं स्पंजिंग टाइप होते हैं स्पंजिंग टाइप स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स उसके अलावा बग्स में बात करें पियर्सिंग एंड स्किंग पियरसिंग एंड स्किंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं पियरसिंग एंड स्किंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं बग्स के अंदर होते हैं ठीक है और मॉस्किटोज के अंदर भी ऐसे ही पाए जाते हैं ना हाउस फ्लाई के अंदर बात करें चेविंग एंड लेपिंग टाइप होते हैं कैसे होते हैं चेविंग एंड लेपिंग टाइप चेविंग एंड लेपिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं हनी बी के अंदर होते हैं ठीक है चल, नेक्स्ट बात करते हैं हाँ एक इसमें और ध्यान में रखना कि कई बार क्या पूछा जाता है कि बटरफ्लाई और मौत के साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट तो ठीक है लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बटरफ्लाई मौत या पूछ लिया जाता है कि साइफनिंग टाइप के जो तो माउथ पार्ट्स होते हैं उसमें जो प्रोबोसिस होता है प्रोबोसिस यानी जो अपने माउथ पार्ट का मेन ऑर्गन होता है वो किसका बना होता है तो वो अपने उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है वो गेलिया का होता है किसका होता है गेलिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है गेलिया और गेलिया किसका पार्ट होता है गेलिया किसका पार्ट होता है गेलिया गेलिया का मेन रोल होता है और गेलिया होता है मिगजिला का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना तो इसी से मिलकर ये क्या बने होते हैं एक प्रकार से साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट्स बने होते हैं ठीक है गेलिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट वार्ड यानी फर्स्ट इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट कौन है क्या हर गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है एक अपने एंटोमोलॉजिस्ट होता है जो अपने सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट होता है पूरे कंट्री के अंदर वो अपने यहां पर पूछा गया फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट कौन था फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट कौन है फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? जल्दी से आंसर दीजिए फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरी गुड बच्चों पूजा देवड़ा मोहित मीना धनराज आंसी वेरी गुड बजराज सिंह संध्या त्रिपाठी सिमरन ठाकुर वेरी गुड बच्चों वेरी गुड सभी का सही आंसर आ रहा ना सभी का सही आंसर आ रहा है बिल्कुल एल डी नाइसवी है आई एक प्रकार से ये फर्स्ट अपने एंटोमोलॉजिस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके बाद में इनके बाद में जो बने थे वो अपने आ, कौन बने थे मैक्सवेल लेफ्रॉय बने थे है ना तो ये अपने एंटोमोलॉजिस्ट कब थे 1901 के अंदर और उसके बाद में 1903 के अंदर कौन बन गए मैक्सवेल लेफ्रॉय बन गए है ना तो ये आपको ध्यान में रखना है एंटोमोलॉजिस्ट अगर चांस अगर बाई चांस आपसे पूछ ले तो Lefroy है ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्डर है इंसेक्ट का जो कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस नहीं रखता है सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एकदम इजीजी क्वेश्चन कर रहे हैं अपने चलो आंसर दीजिए वेरी गुड स्टार्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस तो लेपिडोप्टेरा थाइसिनोरा थाइसिनोप्टेरा या कोलियोप्टेरा वेरी गुड बच्चों जिसका भी आंसर आ रहा है सेकंड आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल सही आंसर होगा थान्यूरा होता है ये एक प्रकार से एग्रीकल्चर में कोई भी इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस का मतलब ना तो इसका इंसेक्ट होता है जो एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल होता है और ना हार्मफुल होता है अब आप मेरे को ये बता दीजिए थायसोन्यूरा के अंदर कौन से इंसेक्ट आता है उसका नाम बता दीजिए थाएसोन्यूरा के अंदर कौन सा इंसेक्ट आता है उसका नाम बता दीजिए चलो वेरी गुड ठीक है तो थायशिनुरा की बात करें इसके ये क्या होता है अपने एपटेरस होता है कैसा होता है एपटेरस होता है मतलब इसमें विंग्स नहीं होते हैं कैसा होता है ये विंगलेस होता है मतलब विंगलेस होता है है ना एपटेरस मतलब विंगलेस होता है विंगलेस ऑर्डर अगर आपसे पूछ ले थायशिनुरा कोलेम्बोला कोलम्बोला और प्रोटूरा ये सभी ऑर्डर्स कैसे होते हैं अपने विंगलेस होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा गया कि कौन सा एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस का नहीं है तो थाइसिना क्यों क्योंकि थाइशनूरा के अंदर कौन सा इंसेक्ट आता है सिल्वर फिश आता है कौन सा आता है सिल्वर फिश आता है तो सिल्वर फिश आता है तो सिल्वर फिश एक ध्यान में रखना ये कोई अपने मछली नहीं है ये क्या है इंसेक्ट है जो कौन से ऑर्डर में आता था है थाशिन के अंदर आता है ठीक था है? है तो इसका कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपने सिल्वर फिश है इसकी स्टडी किस साइंस में की जाती है तो एंटोमोलॉजी में करते हैं किस में करते हैं एंटोमोलॉजी में करते हैं क्यों क्योंकि सिल्वर फिश

कोलियप ट्राउड के अंदर आते हैं ना तो ये सभी अपने एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं या बेनिफिशियल या आरामफुल ठीक है उसके बाद में आता है एथेरिकोना सोकाटा एथेरिकोना सोकाटा इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ एथेरिकोना सोकाटा ये कौन सी क्रॉप का सीरियस पेस्ट है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कॉटन ग्राउंडनट सोरगम और सोयाबीन चलो जल्दी से आंसर दे दो वेरी गुड वेरी गुड चलो इसकी अगर बात करें थेगोना सोकाटा यानी इसका कॉमन नेम क्या होता है इसका कॉमन नेम होता है शूट फ्लाई क्या होता है शूट फ्लाई और शूट फ्लाई किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है शूट फ्लाई इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है सोरगम का और ये सोरगम की क्रॉप होती है वो अपने वन टू फोर वीक तक ही अटैक करती है वन टू फोर वीक की जो ओल्ड क्रॉप होती है उसी को क्या करती है अटैक करती है और ये क्या करती है क्रॉप के अंदर डेड आर्ट बनाती है क्या करती है डेड आर्ट बनाती है डेड आर्ट डेड आर्ट कोच करती है कौन शूट फ्लाई ठीक है और इसके अलावा वन मंथ के बाद में ये लगभग वन मंथ हो गया यानी वन टू फोर वीक या आपने बोल सकते हैं फोर वीक या वन मंथ के बाद में आफ्टर द वन मंथ यानी एक मंथ के बाद में जो डेड आर्ट बनते हैं वो किससे बनते हैं वो बनते हैं एक प्रकार से स्टेम बोरर से किससे बनते हैं स्टेम बोरर जिसको काइलो पार्टिलस बोलते हैं ना स्टेम बोरर ये भी किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है मेज सोरगम का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है स्टेम बोरर स्टेम बोरर क्या करता है एक मंथ के बाद में अटैक करता है और एक मंथ से पहले कौन अटैक करेगा शूट फ्लाई अटैक करेगी और दोनों का ही डेमेजिंग सिम्टम क्या होता है डेड आर्ट फॉर्मेशन होता है ठीक है चलो उसके बाद में अपने यहाँ पर सोयाबीन दे रखा है सोयाबीन की इम्पोर्टेंट पेस्ट की बात करें कौन सा होगा सोयाबीन के अंदर गर्डल बीटल आता है कौन सा आता है गर्डल बीटल गर्डल बीटल सोयाबीन के अंदर गर्डल बीटल इंपॉर्टेंट पेस्ट आता है उसके अलावा है, आता है लीफ माइनर आता है सोयाबीन के अंदर लीफ माइनर सोयाबीन के अंदर लीफ माइनर आता है उसके अलावा अगर बात करें सोयाबीन के अंदर रेड हेरी कैटरपिलर आता है रेड हेरी कैटरपिलर रेड हेरी कैटरपिलर यानी जिसको कातरा बोलते हैं केटरपिलर ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं उसके बाद में ग्राउंड नट की बात करें ग्राउंड नट का अगर आपसे इंपॉर्टेंट पेस्ट पूछ ले तो ग्राउंड नट का इंपॉर्टेंट पेस्ट व्हाइट ग्रब होता है क्या होता है वाइट ग्रब होता है वाइट ग्रब के अलावा अगर बात करें ग्राउंड नट के अंदर एफिड आता है एफिड आता है और एफिड के अलावा अगर बात करें इसके अंदर ग्राउंड नट के अंदर थ्रिप्स आता है थ्रिप्स आता है कातरा आता है कातरा ठीक है ये इसके इंपॉर्टेंट पेस्ट होते हैं किसके ग्राउंड नट के चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वी विल बिलोंग टू द फैमिली आपसे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन वी विल की फैमिली कौन सी होती है वी विल की फैमिली कौन सी होती है चलो जल्दी से आंसर दे दीजिए वी विल की फैमिली कौन सी होती है वी विल की फैमिली कौन सी होती है? वेरी गुड बच्चों वेरी गुड सभी के सही आंसर आ रहे हैं वेरी गुड वी विल अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही वी विल वी विल कौन से फैमिली में आते हैं कुर्कुलडी में आते हैं और कुर्कुलडी फैमिली होती है क्या होती है लार्जेस्ट फैमिली होती है अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले लार्जेस्ट फैमिली होती है नहीं सबसे ज़्यादा ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं कौन से फैमिली के आते हैं कुर्कुलडी के अंदर आते हैं ना तो ये बिल्कुल सही आंसर जाएगा चलो नेक्स्ट बात करते हैं द ट्रम थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड गिवन बाय यानी थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड ट्रम किसने दी थी यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चलो जल्दी से आंसर दे दो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड ट्रम किसने दी थी चैपमैन ने दी थी कार्लसन ब्यूटनर्ड ने दी थी विलियम ने, ने दी थी या निपलिंग ने दी थी चलो जल्दी से आंसर दे दीजिए विकी नायला अमित नायन वेरी गुड बंटी मीना वेरी गुड बच्चों चलो वेरी गुड सभी का सही आंसर आ रहा है वेरी गुड विलियम ने दी थी 1967 के अंदर क्या टर्म दी थी थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड और थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड कौन से होते हैं जो एनाइल हारमोन एनालॉग्स होते हैं जो एनाइल हारमोन एनालॉग्स जुएनाइल हॉर्मोन एनालॉग्स हॉर्मोन एनालॉग जुएनाइल हार्मोन एनालॉग्स होते हैं वो किसमें आते हैं थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड में आते हैं जो हार्मोन एनालॉग्स होते हैं या इनको अपने बोल सकते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर आई बोल सकते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं ये थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड के अंदर आते हैं तो जनरेशन वाइज इंसेक्टिसाइड को फोर जनरेशन में डिवाइड किया गया है जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन से इंसेक्ट फर्स्ट जनरेशन यानी नाइनटीन थर्टी नाइन की इससे पहले की बात करें जब डी को डिस्कवर अपने रिपोर्ट नहीं किया गया डी की जो इंसेक्टिस प्रॉपर्टी की पता नहीं था उससे पहले की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन आती है और फर्स्ट

ये तो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल वीराकोला आइसोक्रेटस किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है ना वीरा कोला आइसोक्रेटस किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट है ये आपको आंसर देना है वीराकोला आइसोक्रेटस किसका इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है वेरी गुड वीराकोला आइसोक्रेटस की बात करें इसको बोलते हैं अपने अनार बटरफ्लाई या ग्रेनेट बटरफ्लाई बोलते हैं ना अनार बटरफ्लाई या ग्रेनेट बटरफ्लाई के नाम से इसको जानते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पेस्ट तो किसका हो गया अनार का हो गया लेकिन वैसे ये किस प्रकार का होता है पोलीफेगस होता है यानी इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर ये डैमेज करता है तो ये एक प्रकार से ओरचार्ट का पोलीफेगस पेस्ट होता है वीराकोला आइसोक्रेटस ठीक है और वीराकोला आइसोक्रेटस होता है इसके मैनेजमेंट के लिए एक टेक्निक काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं फ्रूट बैगिंग फ्रूट बैगिंग यानी फ्रूट के ऊपर क्या करते हैं अपने पॉलीथीन या अपने आ, कोई भी कपड़ा लेकर उसको ऊपर से ढक देते हैं जिससे क्या होता है इसकी नेचर क्या होती है कि एगलिंग कहाँ करती है एगलिंग फ्रूट के ऊपर या कैलिक्स पर एगलिंग करती है तो अगर उसको फ्रूट को कवर कर देते हैं तो उससे क्या होता है ये उस पर एगलिंग नहीं कर पाती तो इसके आ, अपने कंट्रोल का तरीका है उसके अलावा वीरेकोलाइसोक्रेटस जो नार बटरफ्लाई होती है इसका कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है कई बार इससे पूछ लिया जाता है इसकी अपने प्यूपेशन कहाँ पर होता है प्यूपावस्था इसकी कहाँ पाई जाती है तो इसकी प्यूपावस्था होती है वो फल के अंदर ही होती है ना तो अपने आ, फल के अंदर इसकी प्यूपावस्था होती है एगलिंग होती है फल के ऊपर होती है निकेलिक्स वाले पार्ट पर होती है ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेम ऑफ एग पेरेस्टोड विच इज कॉमर्शियली प्रोड्यूज एंड सोल्ड इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा एक पेरेस्टोड है जिसको कॉमर्शियली मार्केट के अंदर अपने आ, आ, मार्केट के अंदर इसको एक प्रकार से कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है या बेचा जाता है तो इसको आपका आंसर देना है चलो जल्दी से आंसर दीजिए ट्राइकोग्रामा टलोनॉमस प्लेटिट इलोनॉमस और टेट्रास्टिकस चलो जल्दी से आंसर दीजिए हिंदी में आपके सिंपल सा है कि आप कौन सा है जिसको भारत में कॉमर्शियली व्यवसायिक रूप से उत्पादन और बेचा जाता है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो बच्चे हिंदी में डिमांड कर रहे हैं कृपया ध्यान रखें जो आपके प्री पीजी का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा तो कोई दिमाग में ना चला जाए लेके कि, ले कि वहाँ मेरे को इंग्लिश में भी कुछ देखने को मिलेगा वहाँ ऐसा इंग्लिश में कुछ भी नहीं आने वाला ये सॉरी हिंदी में कुछ भी नहीं आने वाला है ऐसा ना सोच के जाए कि मेरे को हिंदी में भी मिलेगा साथ में ठीक है क्योंकि प्री पीजी का पेपर पूरा इंग्लिश के अंदर आता है इसलिए इंग्लिश में अपनी ग्रिप स्ट्रांग रखें वेरी गुड चलो ए ऑप्शन आ रहा है सभी का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है ट्राइकोग्रामा ट्राइकोग्रामा क्या होता है एक, एक तो पेरास्टोड होता है और एक पेरास्टोड ये किसके अगेंस्ट काम करता है ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अगेंस्ट काम करता है किसके अगेंस्ट लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं लेपिडोप्टेरा लेपिडोपटरन इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है लेपिडोप्टेन इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट काम करता है अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट पेस्ट ठीक है कौन ट्राइकोग्रामा ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट इन्फेस्ट द ग्राम इन द फील्ड एंड देन कम टू स्टोरेज सिंपल सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए नरेश सैनी बेटा ये जेट के लिए है भी और नहीं भी है दोनों भी चीजें क्योंकि जेट के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर जो जेट लेवल के भी है लेकिन मैग्जिम क्वेश्चन ये प्री पी जी लेवल के हैं तो जेट के लिए अपनी अभी मंडे से मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन भी आपके जेट आई लेवल के रहेंगे तो उसके अंदर आपको आ, केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है तो उस मैराथन क्लास में आप ज्वाइन हो जाइए कोई दिक्कत नहीं है और अभी भी अपने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके जेट के लेवल के भी रहेंगे तो आप इसमें भी जुड़े रह सकते हैं और अपने दोस्तों से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं चलो वेरी गुड अमित नैन का ए आंसर आ रहा है वेरी गुड मोनू का ए आंसर आ रहा है निखिल मालो ए आंसर कर रहे हैं बंटी मीना ए आंसर कर रहे हैं प्रियंका यादव ए आंसर कर रही है वेरी गुड चलो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो अपने स्टोरेज के अंदर भी डैमेज करता है और अपने फील्ड के अंदर भी डैमेज करता है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया यानी फील्ड के अंदर तो होता ही है लेकिन साथ के साथ ये कहाँ जाता है स्टोर के अंदर भी आ जाता है ठीक है तो इसका आपको सही आंसर करना है और आप मोस्टली क्या दे रहे हैं ए आंसर दे रहे हैं तो ए आंसर तो इसका नहीं होने वाला ए आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको बताया इसका आंसर थोड़ी देर पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया है मैंने आपको फिर आप क्लास में ध्यान नहीं रख रहे हैं ना फिर आप क्लास में ध्यान नहीं रखे अभी मैंने आपको क्या बोला था एगमुश ग्रैंड मोथ का एक क्वेश्चन आया था उस जिसकी फैमिली पूछी थी और उसके अंदर मैंने अभी आप आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एगमुश ग्रैंड मोथ जिसका साइंटिफिक होगा सीरियल लेला ले होता है ये एक प्रकार से फील्ड के अंदर भी डैमेज करता है और स्टोरेज के अंदर भी डैमेज करता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ठीक है।, है हाँ जेट का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता भी है ना जेट का पेपर हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा लेकिन प्री पीजी वाले बच्चे ध्यान में रखें है ना प्री पीजी का पेपर ओनली इंग्लिश में ही मिलेगा आपको ठीक है चलो नेक्स्ट इमिडाक्लोप्रीड क्या है इमिडाक्लोप्रीड मतलब इमिडाक्लोप्रीड इज ये सेम वही क्वेश्चन है इमिडाक्लोप्रीड क्या है तो इमिडाक्लोप्रीड क्या है तो सेम जैसे मैंने पहले आपको फेनवाल रेट का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि अपने इमिडाक्लोप्रीड है इमिडाक्लोप्रीड इनमें से कौन से ग्रुप का है और इमिडाक्लोप्रीड क्या है इंसेक्टिसाइड है रोडेंटिसाइड है है क्या चीज है ये आपको आंसर देना है क्लासेस के बारे में कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो आप जो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं इन पे आप अपने कांटेक्ट करके आ, कोई भी क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं कोई भी बैच के बारे में कौन सा बैच कब चलने वाला है कौन सी क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली है इन सब चीजों के बारे में आप यहां से डिटेल ले सकते हैं ठीक है चलो बताओ इमीडा का बताओ जल्दी से अमित नैन मोनू भारती मीणा वेरी गुड सिमरन ठाकुर ऑर्गेनो ऑफ बिल्कुल नहीं है ट्राइबोलियम कास्टेनियम ओनली स्टोरेज के अंदर ही डैमेज करता है भैया ना ध्यान में रखना ट्राइबोलियम कास्टेनियम नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता मैंने आपको तीन चार इंसेक्ट बताए थे एक पोटेटो ट्यूबर मोथ बताया था पल्स बीटल बताया था और एक ग्रेन मोत बताया था यही क्या करते हैं स्टोरेज और फील्ड दोनों में अटैक करते हैं बाकी सभी स्टोरेज के या फील्ड के ही पेस्ट होते हैं दोनों में नहीं लगते है। ठीक है वेरी गुड चलो इसकी अगर बात करें जिसका सी ऑप्शन है या सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है नियोडिक निकोटिनोइड होते हैं या नियो निकोटिनोइड ग्रुप के इंसेक्टिसाइड होते हैं कौन? ये कौन इमिडाक्लोप्रीड, एसिटामीप्रीड है ना ये सभी अपने निकोटिनोइड होते हैं ठीक है इसके बाद में अगर बात करें यहाँ क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन देर का है, जिसके अंदर अपने डी डी टी बी एस सी एंडोसल्फान वगैरह आते हैं ना ऑर्गेनोफोस्फेट ऑर्गेनोफोस्पेट के अंदर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं अगर आपसे पूछ ले अपने लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड वो कौन सा होगा ऑर्गेनोफोसफेट होगा क्यों क्योंकि मैक्सिमम सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड किस में आते हैं ऑर्गेनोफोस्पेट के अंदर आते हैं ठीक है ऑर्गेनो के अंदर आती है ठीक है तो ऑर्गेनो ग्रुप होता है इसके अंदर जैसे मेलाथियन हो गया अपने क्लोरोपायरिफोस हो गया क्यूनाल फोस हो गया मोनोक्रोटोफोस हो गया फोरेट हो गया एसीफोएट हो गया है ना ये सभी जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये सभी ऑर्गेनो फॉस्पेट ग्रुप के अंदर आते हैं फिर उसके बाद में आता है कार्बामेट कार्बामेट के अंदर मैंने आपको बताया का अपने कार्बेल कार्बोफ्यूरान है ना ये सभी जो अपने इंसेक्टिसाइड है ये किसके अंदर आएंगे कार्बामेट ग्रुप के अंदर आएंगे ना मिथोमाइल हो गया मिथियोकार्ब हो गया ये सभी कार्बामेट ग्रुप के इंसेक्टिसाइड होते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट इज यानी पहले नाम था ये इसका अब इसका नाम बदल के चेंज कर दिया है ना ये आपके प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया और जब पूछा गया था उस टाइम तो उसका यही नाम था लेकिन अब इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया अब नाम इसका क्या हो गया नेशनल एन बी ए आई आर हो गया एन बी ए एन बी ए आई आर एन बी ए आई आर हो गया अब इसका नाम बदल कर चेंज कर दिया गया है ना एन बी ए आई आर का मतलब क्या हो गया नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हो गया है ना कल्चरली की जगह एग्रीकल्चर हो गया एग्री कल्चरल इंपॉर्टेंट की जगह हो गया इंसेक्ट और आर का मतलब हो गया रिसोर्सेज ठीक है तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना क्या होगी नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज एग्रीकल्चरल एग्रीकल एग्रीकल्चर नहीं है या ना एग्रीकल्चरली है ठीक है इसको ध्यान में रखना आपको एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज है ठीक है एन बी ए आई आर और एन बी आई आर कहाँ पर है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चलो जल्दी से आंसर दे दीजिए वेरी गुड जिसका डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है बेंगलोर के अंदर है ना बेंगलोर के अंदर क्या है एन बी ए आई आर एन एन बी ए आई आर कहाँ है बेंगलोर के अंदर है ये एक प्रकार से न, नेशनल एग्री नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज की फुल फॉर्म होती है ठीक है तो इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया अभी ठीक है तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में थैंक यू